हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ के एनसीईआरटी बुक साइंस का चैप्टर 14 जो कि है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसका फ्रेंड्स आज हम लोग एक ब्रीफ नोट्स पे प्रकाश डालेंगे और देखेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या जानने को मिलता है। सबसे पहला टर्म ये है कि वैसे सभी सिस्टम जिससे हमें एनर्जी मिलता है उसे हम लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के स्रोत। कहने का तात्पर्य हुआ कि वैसे सभी सिस्टम जहाँ से हमें एनर्जी मिले उसे हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, जैसे सन हुआ, ठीक है, इसके साथ साथ बल्ब हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, उससे भी हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो ये सभी जो हुए ये सोर्स ऑफ एनर्जी हुए। इसके साथ साथ जो फ्यूल हुआ ये सभी भी एनर्जी के सोर्स में आ जाते हैं। एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी उसे कहते हैं जिससे अधिक अमाउंट में हमें एनर्जी मिले। इसके साथ साथ उसे ले जाने और ले आने में भी उसका, यानी कि ट्रांसपोर्ट का जो खर्च हो या उसके साथ साथ जो उसका स्टोरेशन हो वो भी बेहतर हो तथा उसमें कम इफोर्ट लगे। देन नेक्स्ट है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ क्या कहता है। तो ये कहता है कि जो एनर्जी होता है इसे ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, सिर्फ इसके फॉर्म को हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एक अच्छे एनर्जी के सोर्स के लिए उसके क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए। सबसे पहला ये कि कम जलकर, यानी कि कम मास या कम वॉल्यूम वो जले या वो यूज हो और उसमें एनर्जी अधिक मिले। दूसरा ये है कि वो चीप हो, यानी कि सस्ता हो और आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट है इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि ले जाने और ले आने में भी वो आसान हो। सेफ़ टू हैंडल एंड यूज, यानी कि उसको पकड़ने में, उसे हैंडल करने में भी वो आसानी हो। इसके साथ साथ अगला है उससे कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना हो। तो ये एक अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी के क्वालिटीज़ होते हैं। नेक्स्ट टॉप टर्म आता है फ्यूल, यानी कि ईंधन। ईंधन किसे कहते हैं? ईंधन वैसे मटेरियल को कहते हैं जब वो जले तो उससे हमें हीट एनर्जी मिले, उसे हम लोग फ्यूल कहते हैं, यानी कि ईंधन कहते हैं। जैसे वुड हुआ, कोल हुआ, एलपीजी हुआ, केरोसिन हुआ, ये सभी फ्यूल के कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल, एक अच्छे फ्यूल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो गुण होते हैं वो क्या क्या। तो सबसे पहला आता है कि उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए। इसके साथ साथ मॉडरेट रेट, यानी कि वो आसानी से मॉडरेट रेट एयर में वो आसानी से जल जाए और ना ही उसमें से अधिक स्मोक निकले ना ही कुछ हार्मफुल गैसेज निकले। इसके साथ साथ वो भी इजी टू हैंडल होना चाहिए। इसके साथ साथ सेफ़ टू ट्रांसपोर्ट, यानी ले जाने ले आने में उसमें कोई विस्फोट ना हो या उसमें आग ना लगे कहीं ले जाने ले आने के क्रम में। इसके साथ साथ उसके रख रखाव में भी कम एक्सपेंसिव हो रख रखाव में। इसके साथ साथ वो स्मूथली जले और जलने के बाद उसमें रेसिड्यू कम बचे, यानी कि जो एसेज हैं वो कम बचे। तथा लास्ट आता है लेस एक्सपेंसिव, यानी कि कम खर्चीला हो। नेक्स्ट कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी वैसे सोर्स ऑफ एनर्जी को कहते हैं विच आर यूज सिंस ए लॉन्ग टाइम, जिसको हम लोग बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं, जैसे फॉसिल्स फ्यूल्स हुआ, बायोमास हुआ, इसके साथ साथ विंड एनर्जी हुआ, ये सभी कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाते हैं। सबसे पहला फॉसिल्स फ्यूल्स। फॉसिल्स फ्यूल्स जैसा कि हम लोग जानते हैं ये हम लोग नेचर से ऑप्टेन करते हैं और जो फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं ये अर्थ में ब्यूरीड रहते हैं, यानी कि अंदर गड़े हुए रहते हैं। कोल, पेट्रोलियम, ये सभी फॉसिल्स फ्यूल्स के अंतर्गत आ जाते हैं और इनका निर्माण फॉसिल के द्वारा होता है। इसके साथ साथ इसे बनने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगता है। इसके साथ साथ हमारे अर्थ में, हमारे पृथ्वी में ये एक लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल है। अगला ये आता है कि जो फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इसके साथ साथ जो फॉसिल्स फ्यूल्स जब ये जलते हैं तो ये एयर को पोल्यूशन करते हैं, यानी कि एयर को पोल्यूटेड कर देते हैं और इसके साथ साथ ये हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बढ़ा देते हैं और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के भी कारण होते हैं। अगला आता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में क्या किया जाता है? जो फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं, यानी कि जो कोल होता है उसे जलाया जाता है। जलाने के बाद उससे वाटर को बॉयल किया जाता है, वाटर को स्टीम में बदला जाता है और स्टीम से टर्बाइन को नचाकर उससे जनरेटर जो होते हैं उसे चलाकर इलेक्ट्रिसिटी ऑप्टेन किया जाता है। यानी कि जो फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं वो उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर हीट एनर्जी से वाटर को बॉयल करके मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि टरबाइन को नचाने में उसका यूज किया जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है।
अगला आता है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब होता है वैसे पावर प्लांट जिससे जो वाटर जब गिरता है यानी कि फॉलिंग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाता है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है फॉलिंग वाटर का उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। कोई नदी हुआ या डैम हुआ उस पे टर्बाइन को रखा जाता है, यानी कि वो जो टर्बाइन होता है वो जनरेटर के साथ कनेक्ट होता है, और जो फ्लोइंग वाटर होता है बहता हुआ पानी के द्वारा टर्बाइन को रोटेट किया जाता है और इसके साथ साथ उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है डैम्स। हाई राइज डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर टू कलेक्ट वाटर इन लार्ज रिजर्वर्स, यानी कि बड़े बड़े डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है नदियों पर ताकि अधिक अमाउंट में उधर वाटर को स्टोर किया जा सके, और उसके बाद वाटर को पाइप्स के द्वारा नीचे गिराया जाता है और उसमें टर्बाइन फिट रहता है, जब वो वाटर फ्लो करता है उससे टर्बाइन रोटेट करके उससे एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है बायोमास। द डेड पार्ट ऑफ प्लांट्स ट्रीज एंड द वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स एंड मैन आर कॉल्ड बायोमास, यानी कि जो प्लांट्स हुए ट्रीज हुए और जो वेस्ट मटेरियल एनिमल्स के होते हैं उसे हम लोग बायोमास कहते हैं। जो बायोमास होता है इसका लो कैलोरीफिक वैल्यू होता है और इसके साथ साथ जब ये जलता है तो ये बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस करता है। बायोमास एनर्जी में सबसे पहले वुड आ जाता है। ये जो है जो वुड यानी कि लकड़ी बहुत समय से पुराने समय से फ्यूल के तौर पे इसका यूज किया जा रहा है। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जब ये जलता है तो इससे बहुत सारे स्मोक निकलते हैं। इसके साथ साथ डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट, यानी कि जब ये जलता है तो इससे अधिक हीट हमें ऑब्टेन नहीं होता है। अगला आता है चारकोल। When wood is burned in limited supply of air, then water and other volatile material gets removed and charcoal is formed. यानी कि जब लकड़ी को एक limited supply of air, यानी कि कम air में जब उसे जलाया जाता है तब उसके जो water होते हैं और कुछ जो volatile material होते हैं वो उसमें से हट जाते हैं और जो wood होता है जो लकड़ी होता है वो charcoal में convert हो जाता है। जो चारकोल होता है ये बेहतर होता है लकड़ी के मुकाबले क्योंकि इससे अधिक हीट जनरेट होता है लकड़ी के मुकाबले। इसके साथ साथ जब ये जलता है तो कम स्मोक कम धुआं प्रोड्यूस होता है, लेकिन वही जब लकड़ी जलता है तो उससे चारकोल के मुकाबले उससे अधिक स्मोक निकलता है अधिक धुआं निकलता है। इसके साथ साथ ये कम्पैक्ट फ्यूल होते हैं, इसे हम लोग आसानी से इजी टू हैंडल होता है, यानी कि इसे आसानी से हम लोग एक झोला वोला में रख कर एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा सकते हैं। तीसरा में आता है काउडंग यानी कि गोबर। काउ यानी कि गाय, डंग मीन्स गोबर, गाय के जो गोबर से जो फ्यूल बनाया जाता है उसे काउडंग केक भी कहा जाता है। ये जो होते हैं ये चीफ गुड फ्यूल्स होते हैं, यानी कि ये जब जलता है तो ये फ्यूल तो एक बेहतर होता ही है लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, यानी कि जिस तरह से हमने देखा कि जो वुड था उसमें से लॉट ऑफ स्मोक का प्रोडक्शन हो रहा था, सेम टू सेम जो काउडंग होते हैं इसमें से भी बहुत सारे अधिक स्मोक का प्रोडक्शन होता है। इसके साथ साथ ये पूरी तरह से जल नहीं पाता है जिसके कारण बहुत सारे ऐश या जो रेसिड्यू होता है ये बच जाता है। इसके साथ साथ इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है ये भी कम होता है। नेक्स्ट आता है बायोगैस। जो बायोगैस होता है ये काउडंग के डिकम्पोजिशन से इसका फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ कुछ जो क्रॉप्स होते हैं वेजिटेबल वेस्ट सीवेज उन सभी के जो रेसिड्यू होते हैं उसके द्वारा भी बायोगैस का फॉर्मेशन किया जाता है। बायोगैस से लाइटिंग कुकिंग इत्यादि काम किए जाते हैं। इसके साथ साथ जब लाइटिंग कुकिंग के बाद जो भी इसका जो रेसिड्यू होता है उसको मैन्यूर के तौर पे भी यूज किया जा सकता है जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। बेसिकली जो बायोगैस होते हैं इसका यूज रूरल एरिया में अधिक किया जाता है। नेक्स्ट आता है विंड एनर्जी। जो विंड एनर्जी होता है इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होता है विंड का उसके द्वारा उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। जो विंड एनर्जी होता है इसके द्वारा बड़े बड़े टर्बाइन को नचाया जाता है जिसके साथ जनरेटर कनेक्ट होते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सबसे पहले देखते हैं अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स आर एनर्जी सोर्स दैट आर इन्फिनिट नेचुरल एंड रीस्टोरेबल, यानी कि जो टाइडल एनर्जी हुए सोलर एनर्जी हुए ये सभी जो होते हैं इसे हम लोग नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, यानी कि वैसे एनर्जी जिसको हम लोग बहुत समय तक यूज कर सकते हैं और जो जिसका लिमिटेशन नहीं है। जो फॉसिल्स फ्यूल्स था इसका लिमिटेशन है कि ये हमारे अर्थ में एक फिक्स क्वांटिटी में मौजूद है, लेकिन जो अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ये नेचुरल्स होते हैं और इसे हम लोग ऑप्टेन करके अपने यूज को पूरा कर सकते हैं।
जैसे जो टाइडल इनर्जी हुआ, सोलर इनर्जी हुआ, विंड इनर्जी हुआ, ये सभी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनर्जी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब कारण ये आता है कि जब हमारे पास फॉसिल्स फ्यूल्स मौजूद हैं तो फिर हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल क्यों करें। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो फॉसिल्स फ्यूल्स है, जैसा कि हमने अभी तुरंत आपको बताया कि जो फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं ये लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास मौजूद है, इसलिए हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की आवश्यकता है ताकि उसके जो नीड्स हैं ये हम लोग इसके द्वारा पूरा कर सकें। रीजंस फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सबसे पहला ये कि ये पोल्यूशन को कम करेगा। जैसे कि हमने देखा था कि जो कोल होते हैं, जो ऊड होते हैं, चारकोल होते हैं, ठीक है, इससे अधिक पोल्यूशन फैलता है। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं इससे पोल्यूशन कम हो जाता है। इसके साथ साथ फॉसिल्स फ्यूल्स पे जो हम लोग का जो डिपेंडेंस है ये भी कम हो जाता है। सबसे पहला आ जाता है अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी में सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में जो सन होता है ये अल्टीमेट सोर्स होता है, यानी कि सन पे ही सभी दावेदार होते हैं, यानी कि सन से ही हमें एनर्जी मिलता है। जो एनर्जी सन से मिलता है उसे हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं। बहुत सारे डिवाइस जैसे सोलर कुकर, इसके साथ साथ सोलर सेल, सोलर वाटर हीटर, ये सभी सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और ये उसे यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है सोलर कुकर। सोलर जो कुकर होता है एक ब्लैक सरफेस पे पेंट रहता है जो मोर हीट को एक जगह पे कलेक्ट करता है और उससे सोलर कुकर, सोलर हीटर इत्यादि यूज किया जाता है। जो सोलर कुकर होता है ये ग्लास प्लेट से कवर्ड रहता है और उसमें मिरर होते हैं ताकि वो सन रे को एक किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करे। अगला आता है सोलर सेल। ये एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल को एक साथ कनेक्ट किया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट आता है सोलर सेल पैनल। इट अब्जॉर्ब सनलाइट्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। इसमें बहुत सारे फोटोवोल्टिक सोलर सेल होते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज कर सकते हैं। इनर्जी फ्रॉम द सी, अगला आता है जो सी से हम लोग इनर्जी ऑब्टेन करते हैं वो, जिसे हम लोग OTE भी कहते हैं, यानी कि ओशियन थर्मल इनर्जी। देयर इज ऑलवेज ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वाटर एट द सर्फेस एंड एट डीपर लेवल अप टू 20 डिग्री सेल्सियस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि जो वाटर जो होता है सी में, उसके ऊपरी वाटर और नीचे वाले जो वाटर होते हैं उसके बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो कितना होता है। तो इसका सबसे सिंपल आंसर है कि 20 डिग्री सेल्सियस दोनों के बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। और ये जो फॉर्म होता है एनर्जी का, इसे हम लोग ओशियन थर्मल इनर्जी कहते हैं। इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है वेव इनर्जी। जो ओशियंस के जो वेव होते हैं उसके द्वारा इनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है, इसे वेव इनर्जी कहते हैं। क्योंकि जब विंड बहता है तो वो सरफेस, जो ओशियन सरफेस के जो वाटर होते हैं उसे ऊपर नीचे करते रहता है, जिसके कारण बहुत सारे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उसी काइनेटिक एनर्जी को ट्रैप करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है टाइडल एनर्जी। जब ओशियन में हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं तो इस टाइड्स के द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है जियोथर्मल एनर्जी। जो हीट अर्थ के इनसाइड में, यानी कि अर्थ के नीचे है, उस हीट के द्वारा वाटर जो होते हैं उसे बॉयल किया जाता है और स्टीम के द्वारा टरबाइन को नचाकर जियोथर्मल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम के जो हैवी एटम्स होते हैं उसको बॉम्बार्ड किया जाता है लो एनर्जी न्यूट्रॉन के द्वारा, जिससे जब वो स्प्लिट होता है तो उससे बहुत सारे एनर्जी ऑब्टेन होते हैं और इस रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इस रिएक्शन में बहुत सारे एनर्जी रिलीज होते हैं और इसी एनर्जी को हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी के द्वारा स्टीम, यानी कि वाटर को बॉयल करके उससे स्टीम प्रोड्यूस किया जाता है और बाद में उस स्टीम से टर्बाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है तो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो दूसरे जो यूरेनियम के न्यूक्लियाई होता है उसके साथ फिजन करते हैं और ये सेल्फ सस्टेनेबल रिएक्शन होते हैं। ये एक चैन फॉर्मेशन करते जाते हैं और एक बार ये जो फिजन स्टार्ट होता है ये बहुत ही लंबे समय तक चलते रहता है। अब कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि इसके स्टोरेज और डिस्पोजल, जो इसके फ्यूल्स के जो डिस्पोजल होते हैं उसमें थोड़ा सा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ जाता है और कभी कभी इसके लीकेज के बारे में भी रिक्स रहता है कि अगर किसी कारणवश विस्फोट के क्रम में अगर कोई लीकेज हो जाता है तो ये इन्वायरमेंटल एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है।
अब कुछ टर्म जानने के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फॉसिल्स फ्यूल्स, जैसा कि हमने देखा वैसे फ्यूल्स जो हमें प्लांट और एनिमल्स के रिमेन से ऑब्टेन होता है उसे हम लोग फॉसिल्स फ्यूल्स कहते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी फॉसिल्स फ्यूल्स के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है बायोमास, वैसे मटेरियल जो प्लांट और एनिमल्स के बॉडी से ऑब्टेन होते हैं उसे हम लोग बायोमास कहते हैं। ये एक फ्यूल की तरह यूज होता है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हम लोग करते हैं, इसके साथ साथ भोजन भी बनाया जाता है। कन्वेक्शनल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये वैसे सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो एक अल्टरनेट यानी कि फॉसिल्स फ्यूल्स के निर्भरता पर से हमें थोड़ा सा अलग हटाता है, इसे हम लोग कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। जैसे कन्वेक्शनल सोर्स में हम लोग देखें तो यानी कि इसको नॉन रिन्यूएबल भी हम लोग कह सकते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हुए। अगला आता है सोलर कंस्टेंट्स, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सोलर कंस्टेंट्स, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग एक स्क्वायर मीटर पर प्रत्येक सेकेंड प्राप्त करते हैं उसे सोलर कंस्टेंट कहते हैं। ये लगभग 1.4 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड होता है। नेक्स्ट होता है वेवलेंथ, लेंथ ऑफ ए वेव और सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट इन सक्सेसिव वेव विच आर इन सेम फेज इज कॉल्ड वेवलेंथ, इट इज एक्सप्रेस इन मीटर। वेवलेंथ को हम लोग मीटर में एक्सप्रेस करते हैं और ये दो पॉइंट के बीच के जो वेव होते हैं एक ही फेज के उसे उसके लेंथ को ये दर्शाता है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव मोशन इन वन सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में जितने भी जो वेव मोशन होते हैं उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको हम लोग हर्ट्ज में इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, वैसे रिएक्शन जिसमें हैवी न्यूक्लियस एटम को स्प्लिट किया जाता है फिजन प्रोसेस के द्वारा, इसे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। इस दौरान बहुत सारे एनर्जी जनरेट होता है और उस एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है चेन रिएक्शन, जो चेन रिएक्शन होता है ये बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन में ही होता है और ये जो होता है हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और ये चलते रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यानी कि वैसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक लाइटर हल्के जो न्यूक्लियाई होते हैं ये फ्यूज करते हैं कोई बड़े हैवी न्यूक्लियस के द्वारा और जिसके कारण बहुत सारे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है ये गिवन आउट होता है, निकलता है, इसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था इस चैप्टर का एक शॉर्ट ब्रीफ में हमने नोट्स देखा है। हमारे चैनल पे बने रहिए फ्रेंड्स ताकि और भी आप चैप्टर के नोट्स को देख सकें और भी दूसरे वीडियो को देख सकें। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।